व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन अदर देन यूट्यूब? गर्लफ्रेंड, क्रश। एक या डेढ़ हफ्ते के लिए मुंबई का प्लान बना रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर हेटर्स? इतनी हैवी मील्स के बाद मैं खुद की फिजिक को कैसे मेंटेन रखता हूँ? फाइनली इट्स क्यू एन ए वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग टूडेज वीडियो लेट मी टेल यू कि 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने पुटअप किए थे, और आप भी इस बात को समझ सकते हो कि इतने सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में इंक्लूड करना एक इम्पॉसिबल टास्क है। सो मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन उठाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे गए थे रिगार्डिंग माई प्रोफेशन एंड माई फिटनेस, तो मैंने वो पुटअप किए हैं। और मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिनसे आपको मेरे बारे में और मेरे इस चैनल के बारे में कुछ और बातें पता चलेंगी, जो कि हो सकता है आपको किसी ना किसी वे में हेल्पफुल भी लगे। और एक बात, इससे पहले कि मैं उसे वीडियो के बीच में कहीं भूल जाऊँ, मैं प्लान कर रहा हूँ इंस्टाग्राम में बहुत जल्द लाइव आने का, बिकॉज मैं सोशली इतना एक्टिव नहीं हूँ, और आप में से बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में टेक्स्ट कर रखा है जिनमें से मैं बहुत कम लोगों को रिस्पॉन्ड कर पाता हूँ। सो उसी वजह से मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत जल्द लाइव आने का, ताकि मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आंसर कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं इंटरैक्ट कर पाऊँ उस लाइव सेशन के थ्रू। सो अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हो इंस्टाग्राम पे, तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पे इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। एंड राइट नाउ आई एम स्टार्विंग, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो राइट इन द सेंटर आई हैव विद मी चिकन सेजवान नूडल्स, ऊपर रखे हैं चिकन लॉलीपॉप ड्राई, और इस साइड मेरे पास है जूसी चिकन ड्रमस्टिक्स 6 पीस, चिकन लॉलीपॉप 3 पीस, और इधर मेरे पास हैं चिकन मोमोज, बहुत ज़्यादा जूसी हैं। पार्टी रोल में मेरे पास है एक डबल पनीर रोल और एक डबल चिकन रोल, बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है। बट सबसे पहले परंपरा, कोक वालों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे एक कोक का ग्लास भेज दो, इसमें इतना मज़ा नहीं आता है। जस्ट किडिंग, लेट्स गो। थैंक यू सो मच गॉड इस केपेबल बनाने के लिए कि मैं ऐसी चीज़ें खा पा रहा हूँ। एंड आई प्रे टू गॉड कि कोई भी इंसान जो स्ट्रगल कर रहा है या हार्डवर्क कर रहा है कुछ भी चीज़ को अचीव करने के लिए, उसे तरक्की मिले। तो सबसे पहले डबल चिकन काठी रोल टेस्ट करते थोड़ा सा ठंडा हो गया बट बहुत बढ़िया हो रहा है। और हाँ, काठी रोल मैंने एक अलग जगह से मंगाया है, और बाकी सारी चीज़ें एक अलग रेस्टोरेंट से, आपको स्क्रीन में डिटेल्स मिल जाएंगी। चिकन लॉलीपॉप ड्राई, पहले विदाउट चटनी देखते हैं। मज़ा आ गया। मैंने मुंबई में ही चिकन लॉलीपॉप खा रखा है, देहरादून में मैं फर्स्ट टाइम चिकन लॉलीपॉप ट्राई कर रहा हूँ। सो मुंबई की याद आ गई लिटरली, इतना बेहतरीन हो रहा है। जूसी चिकन ड्रमस्टिक्स, मज़ा आ गया।
Nath's Chinese restaurant. I love momos. मैं क्या देहरादून का हर एक इंसान को मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद है. सो दीज आर चिकन मोमोज. और बहुत ज़्यादा अच्छे साइज़ के मोमोज हैं. चिकन सेजवान नूडल्स. मानना पड़ेगा. चिकन सेजवान नूडल्स में ब्रोकली भी डाल रखी है. ये स्ट्रेंज है. डबल पनीर काठी रोल. ये पहले आ गए थे और ये सब सामान बाद में आया. ये भी परंपरा है. मैं जैसी बाइट लेता हूँ ये भौंकने लगते हैं. वेरी नाइस है. बड़ा फोक लेते हैं. इससे नहीं हो पा रहा है. सो अभिलाषा 02 ने पूछ रखा है व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड व्हाट डू यू डू अदर देन यूट्यूब. सेम क्वेश्चन नितेश गेमिंग ने पूछ रखा है व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन अदर देन यूट्यूब. तो एजुकेशन की बात करूं तो आई एम अ ग्रेजुएट इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म. 2017 में मैं पास आउट हो गया था दून यूनिवर्सिटी से और उसके ठीक बाद मैं मुंबई चला गया था और मुंबई में मैंने काम करा है टेलीविजन इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ बिहाइंड द कैमरा सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन फील्ड में. और उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है कि मैं क्या करता था इस यूट्यूब चैनल से पहले. आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो. मैंने अभी रिसेंटली अपने दो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं फाइनल प्रोजेक्ट्स और अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ यूट्यूब को फुल टाइम करने का. नॉट ओनली दीज मकबैंग्स बट ट्रैवल व्लॉग्स और फिटनेस पे वीडियोस भी मैं लाऊंगा. अभी सोच रहा हूँ ऐसा कुछ फाइनल नहीं है बट या लाजवाब हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अवनीश ने. ब्रो आप अपने ब्रदर को वापस वीडियो में कब लाओगे और व्लॉग्स का कोई अपकमिंग प्लान है क्या. अवनीश आपने मेरे बड़े भाई को मेरे साथ स्टार्टिंग के वीडियोस में देखा होगा फूड चैलेंजेस करते हुए. सो वो मरीन इंजीनियर हैं एक्चुअली और वो 5 या 6 महीने के लिए कंट्री से बाहर ही रहते हैं. मार्च या अप्रैल में वो आ जाएंगे और होपफुली आप लोगों को उनके साथ मेरे वीडियोस तब देखने को मिलेंगे. सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज व्लॉग का कोई अपकमिंग प्लान है क्या. जैसा कि मैंने आपको बताया मैं यूट्यूब को फुल टाइम करने की सोच रहा हूँ. सो
सो होपफुली आप लोगों को मेरे व्लॉग्स जल्दी देखने को मिलेंगे. हर कमेंट के आगे मेरे को साजी पढ़ के इतनी हंसी आ रही है ना. क्या करूं, मार भी तो नहीं सकता प्यार जो करता हूं इससे. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मल्क केटू मीडिया हिंदी ने. व्हेन विल यू मेक द पार्ट टू ऑफ योर फिल्म मेकिंग एक्सपीरियंस. जूसी नहीं है. जैसा कि मैंने बताया कि कुछ टाइम बाद मैं टोटली अपना पूरा टाइम इसको यूट्यूब को देने वाला हूँ. उसके बाद मैं एक या डेढ़ हफ्ते के लिए मुंबई का प्लान बना रहा हूँ. मुझे मकबैंग वीडियोस बनाने हैं वहाँ के काफ़ी रेस्टोरेंट्स के जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं. साथ ही साथ मैं आप लोगों को उन जगहों पे ले जाऊंगा और उन लोगों से भी मिलवाने की कोशिश करूंगा जिन्होंने मुझे टेलीविज़न इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है. सो या पार्ट टू ऑफ माय फिल्म मेकिंग एक्सपीरियंस बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम ग्रेव डिगर. वाई आर यू नॉट डूइंग फूड चैलेंजेस. द थिंग इज़ मुझे फूड चैलेंजेस करना पसंद है सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के साथ. मुझे बाकी किसी के साथ मज़ा नहीं आता है फूड चैलेंज करने में. मार्च या फिर अप्रैल में आएंगे तो होपफुली आपको तब फूड चैलेंजेस देखने को मिल जाएंगे. और अकेले में मुझे ऐसा लगता है कि खाने को इन्जॉय कर लिया जाए रदर देन फटाफट खाना. चटनी में नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है. इस मोमो का साइज़ है काफ़ी बड़े मोमो है. नाइस. मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि कुछ भी हैवी खा के कोक पी के मुझे कितनी शांति मिलती है. याद आया, पता नहीं कितने लोग ये बोलते हैं कि यू लुक लाइक सुशांत सिंह राजपूत. भाई ट्रस्ट मी, मेरे को यूट्यूब के अलावा ये कॉम्प्लीमेंट और कभी भी नहीं मिला है. रियल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं मिला है. तो हो सकता है कैमरा एंगल की वजह से या कैमरे की वजह से मैं लग रहा हूँ, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है. ट्रस्ट मी. ऑल दो ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एंड थैंक यू सो मच इस कॉम्प्लीमेंट के लिए, बट वो चीज़ मैं नहीं रख सकता जो चीज़ मैं डिजर्व नहीं करता हूँ. सो थैंक यू सो मच इतने बड़े कॉम्प्लीमेंट के लिए. इट मीन्स अ लॉट टू मी, बट स्टिल आई वुड से कि मेरे को रियल लाइफ में ये कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में मिला है. ऐसा नहीं है रियल लाइफ में, आई गेस सो. मेरी नोज ब्लॉक है, आई एम सॉरी. सौरभ चौधरी ने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा है. टेल अस समथिंग अबाउट योर मकबैंग जर्नी.
जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था मई या फिर जून 2020 में, उस टाइम पे मेरे दिमाग में मुकबंग जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। मुझे पता ही नहीं था मुकबंग या मकबैंग क्या होता है क्या नहीं होता, मैं देखता भी नहीं था। मैंने YouTube स्टार्ट किया था फिटनेस को सोच के कि फ़िटनेस के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, और वो मैंने किया भी। इनिशियली मैंने 6-7 फिटनेस के ऊपर वीडियोज़ बनाई, क्योंकि लॉकडाउन में घर में रह के मैंने फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन किया था अपना, 22 kg वेट लूज़ किया था घर में ही विदाउट जिम। तो इसलिए मेरे को लगा कि फ़िटनेस पे वीडियोस बनाने चाहिए। इनिशियली मैंने 6 या 7 वीडियोस बनाए भी फ़िटनेस पे, और क्योंकि मैंने वेट लॉस किया था तो मैं कॉन्फिडेंस से किसी को भी बोल सकता हूँ कि तुम ये चीज़ करोगे या ये चीज़ खाओगे तो तुम्हारा वेट लूज़ हो जाएगा, कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। सो मैंने 6 या 7 वीडियोस उसी से रिलेटेड बनाए, बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो 6 या 7 वीडियोस इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड, कि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। वो 6 या 7 वीडियोस कोई ढंग से देख लेता है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो उसको किसी और से कभी कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई बटन पे वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो उसको देख सकते हैं। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अभी मैंने कर दिया कि इतने टाइम में वेट लूज़ करो, कल के दिन मैं निकालूंगा कि लूज़ वेट इन 10 डेज, लूज़ वेट इन 20 डेज, लूज़ वेट विदाउट अवॉइडिंग योर फूड, तो सब कुछ सेम सर्कल पर घूमता रहेगा और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा खुद मेरे लिए भी। तो मेरे बड़े भाई भानु भैया, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि तेरी एपेटाइट अच्छी है, तूने खुद को भी मेंटेन भी कर रखा है, तो तू मकबैंग का चैनल स्टार्ट कर। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मकबैंग क्या होता है। भाई ने मुझे एक और चीज़ बोली, तो सिर्फ एक काम करना कि मकबैंग के साथ साथ तू अपनी फिजिक को भी मेंटेन करके चलना, ताकि थोड़ा सा अलग हो और लोगों को पसंद आए, खा भी रहा है बट साथ ही साथ अपने आप को फिट भी रख रहा है। सो ये आइडिया भानु भैया का था, ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम। मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि मैंने फर्स्ट मकबैंग वीडियो कब डाला था अपना, जब भी डाला था, बट एक चीज़ मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ आज की डेट में बिना किसी शर्म के, कि इनिशियली आपको व्यूज़ नहीं मिलते हैं। जितने भी लोग मकबैंग या फिर ASMR चैनल को रन कर रहे हैं, मैं उनको यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इनिशियली व्यूज़ नहीं आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि व्यूज़ कभी आएंगे ही नहीं। सिर्फ एक वीडियो होता है जो आपका वायरल होता है कभी ना कभी जाके, तो उस वीडियो का इंतज़ार करो और उस वीडियो तक खुद को डिटरमिंड रखो कि आपको करना है, कि आपको वीडियोस बनाते रहना है। एक ही मंत्र है यूट्यूब का जो मुझे केसी नाइस्टेट के वीडियो में सुनने को मिला था, और वो है जस्ट कीप अपलोडिंग। अब एक क्वेश्चन जो न जाने कितनों ने पूछ रखा है मेरे से कमेंट सेक्शन में, गर्लफ्रेंड क्रश विच टाइप ऑफ गर्लफ्रेंड यू वॉन्ट, प्लीज आंसर इट बिकॉज मैनी गर्ल्स वॉन्ट टू नो। सो गर्लफ्रेंड नो, आई एम सिंगल। क्रश नो, ऐसा कोई भी नहीं है। विच टाइप ऑफ गर्लफ्रेंड यू वॉन्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ ये है कि इस यूट्यूब जर्नी को मैं कैसे अच्छे लेवल पर ले जाऊँ, उसके अलावा लिटरली और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम साक्षी बिसेन, आई होप मैंने ढंग से प्रोनाउंस किया है। वाई आर यू सो हैंडसम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर हेटर्स, आई मीन डू दे कमेंट्स अफेक्ट यू इन सम एस्पेक्ट और अदर, हाउ आर यू डूइंग, आई होप यू आर डूइंग वेल, लव योर वीडियोस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच साक्षी इस क्वेश्चन के लिए और कॉम्प्लीमेंट के लिए। हेटर्स के लिए ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उनके लिए, एज अ नॉर्मल पर्सन मैं हूँ या आप हूँ,
अगर मुझे YouTube में कोई भी वीडियो अच्छा लगता है किसी एक पर्टिकुलर रीज़न से, तो मैं सीधा कमेंट सेक्शन में जाता हूँ। मैं उस बंदे या बंदी को बताता हूँ मुझे तुम्हारा वीडियो इस वजह से पसंद आया, तुम्हारी स्माइल अच्छी है, जो भी है। बट अगर मुझे YouTube में कोई वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं सीधा वीडियो को बंद करता हूँ और कुछ और देखता हूँ। बट मैं लिटरली अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता हूँ उस वीडियो में जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। उसके कमेंट सेक्शन में जाऊँ और फिर ये लिखूँ कि मुझे तुम्हारा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लेवल ऑफ यू नो नेगेटिविटी फैलाने वाली बात हो गई, दूसरे को भी डीमोरलाइज कर रहे हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उन लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे लोग सेल्फ फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ दूसरे को भी डिमोटिवेट करना। डू द कॉमेंट्स अफेक्ट यू इन सम एस्पेक्ट? नॉट एट ऑल, रत्ती भर भी नहीं। अगर आप लोग क्रिएटर हो यूट्यूब पे, तो आपको पता होगा कमेंट के ठीक बगल में ऑप्शन आते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन होता है हाइड यूजर फ्रॉम योर चैनल। मुझे कोई हेट कमेंट या फिर नेगेटिव कमेंट भेजता है, तो मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, हाइड यूजर फ्रॉम योर चैनल। तुम्हें मेरा चैनल नहीं पसंद, तो मैं तुम्हारे पे एक एहसान करूँगा कि तुम्हें मेरा चैनल आज के बाद कभी दिखाई ही नहीं देगा यूट्यूब में। सो ये बहुत एक अच्छा फीचर है जो मुझे पसंद है। चाहिता विश्वास का क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एज एंड फेवरेट स्पोर्ट्स? एज मैं 25 का हो जाऊंगा इस अप्रैल में। बहुत लोगों ने पूछा था कि बर्थडे कब आता है, सो 12 अप्रैल को मेरा बर्थडे आता है और इस अप्रैल को मैं 25 का कंप्लीट हो जाऊंगा। फेवरेट स्पोर्ट्स, इंडोर में मुझे स्नूकर बहुत ज़्यादा पसंद है और आउटडोर में फुटबॉल। स्नूकर में रॉनी ओ'सुलिवन, जेट ट्रम्प मेरे फेवरेट हैं, और फुटबॉल में गैरेथ बेल, मॉड्रिच और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रजक्ता पाटिल ने पूछा है, व्हाट वाज योर प्रोफेशन बिफोर स्टार्टिंग यूट्यूब? उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। एंड हाउ यू एडिट योर वीडियोस विद सॉफ्टवेयर? मैं अपने वीडियोस एडिट करता हूँ प्रीमियर प्रो में, अडोबी प्रीमियर प्रो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो सॉफ्टवेयर। एंड फाइनली अब आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहे होंगे फिटनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। वे पाटिल, एक्लीन, अंकिता क्रिएशन, अयान सचदेव, टेक्निकल गेमिंग यूट्यूब। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि इतनी हैवी मील्स के बाद मैं खुद की फिजिक को कैसे मेंटेन रखता हूँ। आज का होने वाला ये फाइनल क्वेश्चन, बट उससे पहले दो जूसी चिकन ड्रमस्टिक्स बचे हैं, ठंडे हो चुके हैं तो गर्म करके खाने पड़ेंगे, और ये थोड़े से नूडल्स बचे हैं। अब आप में से काफ़ी लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लिए रुके हैं। सबसे पहले मैं अपनी डाइट से स्टार्ट करता हूँ। मैं करता हूँ ओमैड, वन मील अ डे डाइट, जिसमें मैं सिर्फ एक मील कंज्यूम करता हूँ पूरे दिन में, और वो मील लेता हूँ मैं 6:30 या 7:30 के बीच में शाम को। बट जब भी मैं घर से बाहर होता हूँ, तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करता हूँ, और मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, बहुत ही तगड़ी चीज़ होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ज़रूर चेक कर लेना उस वीडियो को। और नो शूट डेज में मैं क्या खाता हूँ, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है अपनी डाइट के ऊपर। इस डाइट वाले वीडियो में मैंने अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग की दोनों मील्स दिखा रखी हैं, और ओमैड डाइट में मैं इन दोनों ही मील्स को इंक्लूड कर देता हूँ और शाम के टाइम कंज्यूम कर लेता हूँ। मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2 या 2.5 महीने हो चुके हैं मैं ढंग से जिम नहीं गया हूँ, बट स्टिल मेरा वेट मेंटेन्ड है, बिकॉज मैंने अपना डेली का रूटीन बना रखा है कि मुझे 10,000 steps पूरे करने ही करने हैं। तो 1 घंटे की मॉर्निंग वॉक सुबह और 1 घंटे की इवनिंग वॉक में मेरा वो टारगेट पूरा हो जाता है। रोटी, चावल, दाल, रोटी मैं बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, मैं सैलेड और ओट्स वगैरह ही खाता हूँ अपने नो शूट डेज में। तो मेरी मकबैंग के दिन के अलावा मेरी बाकी दिन डाइट एकदम क्लीन रहती है, पानी मैं 3 से 4 लीटर पीता हूँ। तो मेरी फिटनेस का राज यही है, मैं ओमैड फॉलो करता हूँ, 1 meal a day डाइट, 3 से 4 लीटर मैं पानी पीता हूँ डेली। सुबह 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करता हूँ और शाम को 1 घंटा इवनिंग वॉक करता हूँ, और नो शूट डेज में मेरी डाइट एकदम क्लीन रहती है, मतलब 100% क्लीन, यही सीक्रेट है। तो आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे, आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, थोड़ा सा लंबा हो गया होगा डेफिनेटली, बट स्टिल आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड पीस।